YouTube के नॉलेज इन्फो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको फिर से एक बार आरा के एक नए टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से सारा और सेबी का जो ये मैटर आज चल रहा है, तो अभी मतलब अभी हाल में ही कोर्ट ने ये भी बोला है कि सुब्रत राय सारा 62,500 करोड़ रुपए अगर नहीं देते हैं तो जो इनकी पैरोल पे ये बाहर चल रहे हैं तो इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो निवेशकों का जो पैसा पड़ा हुआ है और ये जो चीज़ें हैं ये करीब 2013 से चल रही हैं और सारा ने अपने जो निवेशक हैं उनकी पूरी धनराशि को जो है वो 15% ब्याज से जमा करने के जो कोर्ट का ऑर्डर 2012 में हुआ था और 2015 के बीच में हुआ था उसमें उन्होंने उसको करने में वो विफल रहे, मतलब कि वो असफल रहे कि वो 15% ऐड करके वो पेमेंट को वहाँ पे जमा करवाएंगे। तो उपभोक्ताओं का जो भी ये पैसा है तो सारा और सेबी के दोनों बीच में फंसा हुआ है। जिस तरीके से हमारे जो मतलब कि सारा के जो हमारे मुखिया हैं सुब्रत राय सारा जी, उनकी जो दो कंपनियां हैं उसमें 626 अरब रुपए जमा करने को निर्देश किया गया था, लेकिन ये पैसा जो है इन्वेस्टर का बकाया भुगतान है जो कि अभी तक ये जमा नहीं हो पाया है। और सेबी ने ये भी कहा है अगर सारा ये रकम नहीं चुकाते हैं तो उनकी जो पैरोल पे जो बेल हुई है वो भी रद्द की जा सकती है। तो और सारा को अपना जितना भी अमाउंट है उसको 15% ब्याज के साथ इसको जमा करने के लिए बोला गया था जो कि उन्होंने नहीं किया, और ये ऑर्डर 2012 और 2015 के बीच में हुए थे। 2014 में अदालत से अवमानना से जुड़ी सुनवाई में जो शामिल हुए थे तो उसमें इनको जब इन्होंने ये पेमेंट नहीं जमा किया तो इस कारण इनको वहाँ पे हिरासत में ले लिया गया था। और उसके बाद 2015 में इनकी पैरोल पे जमानत भी हुई कि हम ये पेमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक के केस में ये पेमेंट नहीं जमा हुई है। और जबकि सेबी का कहना है कि इन्होंने पेमेंट नहीं जमा किया और सारा सुब्रत और सारा का कहना है कि मैंने जो भी अमाउंट दिया है तो अभी तक सेबी ने उस पर क्या किया हुआ है। हम आपको चलते चलते ये भी बता दें कि 22,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा है और सेबी ने अभी तक करीब 62,500 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है, जो कि एक ऊँट के मुँह में जीरा की कहावत वाली कहावत सिद्ध होती है। और बाकी रकम ये सारा या सेबी किस तरीके से, मतलब सेबी के पास अगर ये अमाउंट जमा है तो वो किस तरीके से इसको रिलीज करेगी तो अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। अभी तो मैटर से ये चल रहा है कि सारा को पेमेंट जमा करवाना है और वो अगर नहीं जमा कराती है तो एक बार फिर से वो जो उनकी पैरोल पे जो बेल चल रही है वो फिर से खारिज की जा सकती है, इनको फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे देनदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों की मैच्योरिटियाँ जो आने वाली थी वो सब आ चुकी हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा मतलब पेमेंट खड़ा हो चुका है जो इन्वेस्टर को मिलना है। और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो पेमेंट किस तरीके से सारा अपने इन्वेस्टरों को करवाएगी, क्योंकि बीच बीच में पेपरों में सारा ने एक अपना जो इश्तिहार दिया था उसमें बस इतना ही बोला था कि आप कुछ समय और वेट कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को पेमेंट अपने टाइमली आप लोगों को दे सकूं और जो भी उस पर ब्याज होगा वो भी आपको मिलेगा, जो आपने बीच में धैर्य रखा है उस धैर्य रखने के लिए उन्होंने उसमें क्षमा ही मांगी है कि भाई आप लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि अपना कम से कम इतना धैर्य रखा है। लेकिन वो भी जो भी पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुआ उसमें भी कई कई महीने निकल गए हैं, कई कई साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक इन्वेस्टरों को कुछ भी नहीं मिल पाया है। तो आगे हम लोग को बस ये देखना है कि किस तरीके से हमें सारा पेमेंट करता है, अपने इन्वेस्टरों को किस तरीके से वो पेमेंट करता है, तो आने वाले समय में ये हमें मालूम हो पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube के नॉलेज इन्फो चैनल पे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए खबर के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद।